हुए प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश और अलग अलग लोगों के कोर्स में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और अलग अलग स्कूलों में और अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वॉट प्रैक्टिस इज आर्टिकल राइटिंग, आई सपोज आपको आर्टिकल राइटिंग, तो वॉट इज आर्टिकल राइटिंग, इसी चीज़ को स्टेट बोर्ड में बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, इट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, सुना होगा आपने, ठीक है। तो हाउ आर वी कनेक्टेड टू दिस और व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इन दिस, देखो आप जो लिटरेचर पोर्शन है उसको रट के जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे आपके मार्क्स नहीं है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में अच्छा खासा आपका 20-30% रहता है और राइटिंग स्किल्स में आपका अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं जिनसे उनको लिखना रहता है। तो हमने देखा है कि इंग्लिश में लोगों के मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स से वो कतराते हैं, ठीक है। और राइटिंग स्किल्स आपकी मजबूत तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको पढ़ने की आदत ना हो, क्योंकि राइटिंग स्किल में जो टॉपिक आएगा उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक टॉपिक आएगा जिसके बारे में आपको लगभग 10 मिनट में सोचना है, लिखना है, ठीक है। तो कभी भी आप जब पेपर दे रहे होंगे, व्हेनेवर यू आर एक्चुअली गिविंग द इंग्लिश पेपर, ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू आर अवेयर ऑफ, उनको सॉल्व कीजिए। और राइटिंग स्किल्स के लिए अच्छा खासा टाइम रखिए, जैसे लोग क्या रखते हैं मतलब लास्ट के 5 मिनटों में राइटिंग स्किल्स को निपटाएंगे, विच इज़ अ वेरी बैड आइडिया, ठीक है। अगर आपका समझ लो मैं सर 3 घंटे का पेपर है, अगर इंग्लिश का पेपर है, तो मैं बोलता हूँ कम से कम 1 घंटा रखो राइटिंग स्किल्स के लिए, ठीक है। ओनली देन यू विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ प्रॉपरली, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इसमें आपका आपको धैर्य से सोचना है, आप डिस्टर्ब माइंडनेस के बारे में नहीं सोच सकते। समझ लो आपने पेपर दिया और आपको लगा कि 2 घंटे में वैसा पूरा पेपर ही बिगड़ गया, पता नहीं क्या क्या आंसर दिया मैंने, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस पहले चकनाचूर हो जाएगा, उसके बाद आप राइटिंग स्किल डेवलप करने जाओगे और परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा राइटिंग स्किल्स के लिए 1 घंटा अलग से रखें, और ये आपका सीधा सीधा डिपेंड करता है हाउ आर यू एबल टू कोरिलेट योर आइडियाज कोरिलेटिंग टू द टॉपिक एंड प्रेजेंट देम इन द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ठीक है। सो ये जनरली आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होता है आपके स्टडी से। फॉर्चुनेटली यू ऑल आर फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड और सबके सब भाई साहब जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, तो आपका इंग्लिश मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दैट योर इंग्लिश माइट नॉट बी वेरी रिच विद वोकैबुलरी, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, देयर शुड बी नो मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप किसी राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मतलब उसको सिंपल ग्रामर फॉर्मेट में रखना है। इफ़ यू आर गुड विद वोकैबुलरी and you know the usage of words, then you can certainly attempt it. But my suggestion would always be to keep it in as simple language as possible. Jitna ho sake utne simple language mein isko rakhiye, theek hai, otherwise problem ho jayega. So we are talking about expansion of idea, which is basically its state board, aur usi cheez ko hamare sath article writing bolte hain seriously, theek hai. So we will see kaise isko manage karna hai, theek hai, how do we manage this. Okay, so what is basically an article, ek article hota kya, theek hai. What is an article, people? Functions of an article: inform the reader about an idea, phenomena, and piece of news or information. ठीक है? तो एक जो reader है, ऐसे सोचिए कि आप जो चीज लिख रहे हैं, वो एक reader तक जाएगा. ठीक है? It will actually go to a reader. ये second last वाला स्विच था ना? Second last वाला ऊपर पे ना? ठीक है? So whatever you are writing, it is meant for a reader. ठीक है? आप जो भी लिख रहे हैं, ये एक reader तक जाएगा. It is meant for a reader. आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज इंक्लूडेड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स अलोंगसाइड रिटन वर्क्स. तो ये फंक्शन क्या है भाई साहब आपका? इट इन्फॉर्म्स रीडर अबाउट एन आइडिया. तो किसी आइडिया के बारे में एक रीडर को इन्फॉर्म करता है, ठीक है. एक कोई आइडिया है जिसके बारे में वो रीडर को इन्फॉर्म करता है. फिनोमिनन एंड पीस ऑफ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो जो भी है वो फिनोमिना या पीस ऑफ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इट इन्फॉर्म्स द रीडर. तो आप ऐसे सोचिए कि आप जब कोई चीज़ लिख रहे हैं तो ये किसी रीडर के द्वारा पढ़ा जाएगा. इट विल बी रेड बाय अ रीडर. सो व्हाट इंप्रेशन वुड द पर्सन हैव अबाउट यू, व्हाट विल ही अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट, ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. प्रेजेंट एन ओपिनियन, आप किसी बारे में अपना वक्तव्य रख रहे हैं. ओपिनियन मतलब आपका खुद का ओपिनियन, ठीक है, ये सही है या गलत है. किसी चीज़ को सही प्रूफ करना है तो सही प्रूफ कीजिए, किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना है तो गलत प्रूफ कीजिए, ठीक है. उससे कुछ मैटर नहीं होता कि आप प्रो में लिख रहे हैं या कौन में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं
और किस भाषा में और कैसे उसको एक्सप्रेस किया है वो मैटर करता है। जैसे समझ लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से आपको ऐसा स्टडीज और स्पोर्ट्स ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्टडीज इन इंडिया और यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स। आपको मालूम है कि आपका जो दिल है वो स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, तो आप बराबर स्पोर्ट्स के लिए लिख सकते हैं और स्टडीज को कंडेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्टडीज आर वेरी बोरिंग, स्टडीज डू नॉट प्रिंट, जो आपके मन में चल रहा है आप लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। आपके मार्क्स आपके लैंग्वेज पे बनेंगे, आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं। तो आप अगर रैशनली उसको सही से प्रूव कर रहे हैं और आप अगर उसको प्रूव कर रहे हैं कि भाई साहब स्टडीज ही होना चाहिए, अपना स्पोर्ट्स ही होना चाहिए, स्टडीज नहीं, इट्स ओके, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके ग्रामर में कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, ठीक है, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज हियर, इट डजंट मीन दैट आपको वैसा वैसे ही चलना पड़ेगा, अच्छा स्टडीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या टीचर मार्क्स दे रहे, ऐसा नहीं, आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने का पूरा हक है, बट आपको सिर्फ ग्रामर को सही रखना पड़ेगा, ग्रामर अगर सही नहीं रहेगा तो उसमें मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सो इट डजंट मैटर वेदर योर ओपिनियन इज सपोर्टिंग समथिंग और वेदर योर ओपिनियन इज अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं या किसी चीज का आप सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये जरूरी है, ठीक है, आर यू क्लियर, ओके। प्रेजेंट एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, अभी भाई साहब समझ लो आपको कोई टॉपिक दिया गया है लेट्स से पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शहरों में पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज आप अभी रीजन्स फाइंड करेंगे, अच्छा व्हीकल्स के वजह से होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज के वजह से होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पोल्यूशन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो आप सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, व्हीकल्स हमको रिड्यूस करने चाहिए, ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये बोलेंगे अच्छा मेरा ना आज क्रिकेट मैच था, नॉट गो आउट ऑफ द टॉपिक, है ना, तो आप टॉपिक के बाहर नहीं जाएंगे, पोल्यूशन के बारे में लिखना है, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या क्या हैं पोल्यूशन के बारे में वो आप व्यक्त करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गो, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, जैसे आप पॉइंट्स को पकड़ लेंगे, जैसे आपने इस टॉपिक को पढ़ा पोल्यूशन के बारे में लिखना है, पोल्यूशन इज वेरी सीवियरली डैमेजिंग टू हेल्थ, है ना, हमारे हेल्थ को डैमेज करता है, कैसे कैसे डैमेज करता है, इट इम्पैक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इट कॉजेज इट मेक्स पीपल सफर ड्यू टू विच देर लॉट ऑफ हार्ट अटैक्स दैट आर हैपनिंग, ठीक है, देर आर मेनी डिजीजेज विच आर डिरेक्टली रिलेटेड टू पोल्यूशन, एंड पोल्यूशन इज बिकमिंग अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर लाइफ एज वेल, ठीक है, इस तरह से आप चार्ट करेंगे, फिर आप बोलेंगे व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, या आप लिखेंगे नहीं, देर आर मेनी कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, व्हीकल्स बीइंग द प्राइमरी कॉज, देन वी हैव फैक्ट्रीज, देन वी हैव इंडस्ट्रीज एंड तमाम चीज़ें हैं जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे कैसे आएंगे, फिर आपने प्रॉब्लम को व्यक्त किया, ठीक है, फिर आप बोलेंगे भाई साहब कैसे कंट्रोल करना है, एक ही घर में अगर पाँच जने और पाँच जन अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वैसा एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, ठीक है, तो गाड़ियाँ रास्ते पे कम होंगी जितनी उतना कम पोल्यूशन होगा, ये एक बात होगी, तो आप तमाम चीज़ों से आप इसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे और आपके हिसाब से जो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन उसको भी व्यक्त करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, ओके। यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टिकल कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन हू द रीडर्स आर, फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है डिपेंडिंग रीडर्स कौन कौन, ठीक है, इट कैन इट इज लेस फॉर्मल देन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट से ये लेस फॉर्मल है, ठीक है, इट इज वेल रिसर्च एंड फैक्ट्स आर ट्रू, ठीक है, तो आपका वेल रिसर्च होता है उसमें भाई साहब आप रिसर्च के जैसे आपने काफ़ी सारा नॉलेज है अगर, तो ऑब्वियसली वो नॉलेज कहाँ से आ रहेगा, आपने काफ़ी सारा उस बारे में पढ़ा जाना और समझा ले, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है, ओके। फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, तो पहले होगा भाई साहब टाइटल, जैसे पोल्यूशन अगर है तो पोल्यूशन होगा, ठीक है, फिर राइटर्स नेम, तो आप लिखेंगे पोल्यूशन बाय आर्य कुदर, ठीक है, सो इस तरह से आप भाई साहब राइटर का नाम लिखेंगे। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो पोल्यूशन इज वेरी कॉमन टू अर्बन एरियाज, द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर व्हीकल्स, ठीक है, ऐसा आप फिर व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, देर आर मेनी सीरियस डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पोल्यूशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स गेट इम्पैक्टेड, हार्ट फंक्शनिंग गेट्स इम्पैक्टेड, पीपल हु सफर फ्रॉम ब्लड प्रेशर दे ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड, ये सारे तमाम चीजें, ठीक है,
मिडिल पैराग्राफ गिव योर व्यू, तो आपने पहले क्या करना है, ओरिएंटेड रीडर टू द टॉपिक, तो टॉपिक से रीडर को कनेक्ट करवाना है, इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया और थीसिस, तो आपका जो मेन आइडिया है वो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मिडिल पैराग्राफ गिव योर व्यू एंड प्रेजेंट एविडेंस टू सपोर्ट थीसिस के लिए, तो आप अभी अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ ब्रिंग द आर्टिकल टू क्लोज, डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू आइडिया, तो आप ऐसा आर्टिकल को क्लोज करें, ये आपका कंक्लूजन है, इस तरह से आप लिखेंगे नहीं, आप पहले पोजिशन, तो जैसे आपने लिखा वैसा पोजिशन पर ए बी जी, ये आपने स्टार्ट कर दिया सीधा एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखा, फिर कंक्लूजन था, ठीक है, इस तरह से सजा के लिखना है, वैसा अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है टॉपिक फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स इनके कॉजेस एंड प्रिवेंशन, तो ये टाइटल ऐसे लिखेंगे नहीं आप, टाइटल फ्लड ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसा टाइटल रहेगा, पहले आप लिखेंगे फ्लड्स कॉजेस एंड प्रिवेंशन, नेम ऑफ द राइटर अनिता रोहता जी, ठीक है, ओके। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, वैसा बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, तो आप वैसा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। Tragic scenes unfolded when heavy rains wreak havoc in Jammu and Kashmir, causing floods, landslides, house collapses, and heavy loss of life and property. तो यहाँ पे एक incident के correlation में आप अपने वक्तव्य को रखें, ठीक है, जब बहुत ही tragedy हो गई थी, ठीक है, जब बहुत heavy rains हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके वजह से floods हुए, landslides हुए, house collapses हुए, and heavy losses हुए life and property, ठीक है। There has been a complete breakdown of transport and communication. तो पूरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पैसा क्या हो गया, ठप हो गया, एंड द एंटायर स्टेट हैज बीन प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, और पूरा स्टेट जो है तो डार्कनेस में चला गया, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज रैपिड डिफॉरेस्टेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड्स, तो क्यों हुए ना कि फ्लड्स मतलब बहुत जोर से पानी का आना, तो अगर आपके पेड़ वगैरह जंगल वगैरह रहेगा तो उतना जोर से पानी नहीं आ सकता, ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज में जिसके वजह से हैवी डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ों को काटा गया, जिसके वजह से फ्लड्स हुए। फ्लड्स होने का मेन कारण, सबसे ज्यादा कारण होता है आपका डिफॉरेस्टेशन। सिचुएशंस लाइक दिस, अभी आप देखो प्रॉब्लम को, आपने पहले घटना का विवरण दिया, फिर आपने वैसा किस वजह से हुआ उसको दिया, फिर आप उसका एक सोल्यूशन दें, ठीक है। सिचुएशंस लाइक दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ द एम्बैकमेंट्स एंड रिलीफ्स वेर रीइंफोर्स्ड, ठीक है। डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द कैपेसिटी टू रिटेन रन ऑफ वाटर, दीज स्टेप्स कैन सर्व एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर फ्लड्स इन द फ्यूचर, तो ये वैसा आपका एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जाएगा। बस इतने में आप खत्म करें, आपका आर्टिकल राइटिंग या आपका जो यू नो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, इसका लिमिट रहता होगा, ठीक है, अभी उसमें मतलब वर्ड्स हो, ठीक है, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्ड्स एनी वीक, लोग करते क्या है, एक लाइन लिखेंगे फिर वर्ड को कम करेंगे, दूसरा लाइन लिखेंगे फिर वर्ड को कम करेंगे, अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे कोई तुम्हारे वर्ड्स को काउंट नहीं करेगा, एक सिंपल सब तुमने ये लिखा हुआ, ठीक है, कैसे करोगे, वैसे एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब लगभग एक लाइन में तुम्हारे छः वर्ड्स आ रहे हैं, तो तुमको वैसा होगा 150 का लाइन लिखना है, 150 वर्ड्स का लिखना है, तो लगभग कितने लाइन्स लगेंगे तुमको, अरे भाई साहब 6 150 कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है, 6 × 12 6 × 5 = 30, लगभग 25 लाइन लिखने, कोई तुम्हारा टीचर ऐसा नहीं होगा मिलेगा 1 2 3 4 ऐसा कोई मिलने नहीं वाला, ठीक है, और तुम भी ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, हर लाइन के बाद अगर तुम वर्ड्स गिनने लगोगे तो तुम्हारे वर्ड्स गिनने में तुम्हारा पूरा टाइम चला जाएगा, तुम सोच कर क्रिएटिव तरीके से उस चीज को फिनिश नहीं कर पाओ, ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा राइटिंग के हिसाब से हर एक इंसान की राइटिंग अलग अलग होती है, और जनरली मतलब एक लाइन में किसी के 5 वर्ड्स आते हैं, जनरली किसी के 6 वर्ड्स आते हैं, किसी के 7 वर्ड्स आते हैं, तो अगर आपका यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड्स आ रहे हैं, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 25 लाइन का लिखना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन्स काम करें, और अगर आपके 25 हो रहे हैं तो आप क्लोज करें, ठीक है, क्लियर है, एक एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज, ओके, तो हाउ टू राइट एन आर्टिकल, बिफोर राइटिंग आस्क 4 क्वेश्चंस, कि भाई साहब किस बारे में, टॉपिक क्या है, ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक, जैसे इसके पहले क्या टॉपिक था भाई साहब, फ्लड्स, तो फ्लड्स मतलब होता क्या है, फ्लड्स मतलब बाढ़ का, बाढ़ मतलब एक शहरों में और गाँव में पानी का घुस जाना, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी का आ जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लड्स, ठीक है, सो व्हाट इज द टॉपिक, इसके बारे में आपको सोचना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल दिया गया है तो उसका पर्पस क्या है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं इसको उजागर कर, है ना, सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट और व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द टॉपिक,
व्हाट टोन शुड बी एम्प्लॉयड, किस टोन में आपको बात करना है. ठीक है, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको अग्रेसिव होना पड़ता है. जैसे जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है हमारे इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्रिएट हो रहा है. सो वी कैन नॉट बी, अच्छा हम इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे. नहीं भाई, दावत को करना है कुछ इसके बारे में, है ना. सो जो चीज़ सबको सर्वसामान्य को इम्पैक्ट कर रही है, वी ऑल हैव टू बी सीरियस एंड टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन अबाउट. ठीक है, तो कितना ये होता है टोन, मतलब आपको कितना एग्रेसिव होना है उस टॉपिक के बारे में. ठीक है, या कितनी लाइटली आप बात कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज द वर्ड लिमिट. ये वर्ड लिमिट पे लोग फंसे रह जाते हैं जबकि ये एकदम लास्ट क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है, लोग हर बार ऐसे एक लाइन लिखेंगे और उसको गिनेंगे. तो ये एक बहुत बुरी आदत है. ठीक है, आप अपना एस्टिमेट देखिए, मतलब 6-7 वर्ड का आपका एक लाइन में आता है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. अगर 100 वर्ड्स का आपको लिखना है तो आपका वैसा 5 × 6 × जो भी आपका 100 में आना है, 100 × 6 का जो उतने लाइन्स में आपको लिखना है. डोंट काउंट, स्टार्ट काउंटिंग द वर्ड्स लाइक दिस, यू आर गोइंग टू वेस्ट अ सीवियर अमाउंट ऑफ टाइम. आपका एक आर्टिकल राइटिंग नहीं नहीं करके 5 मिनट में निपटना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दे सकते हैं आप उसको. ठीक है, अगर आप ऐसे काउंटिंग करते बैठेंगे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज समथिंग दैट यू वुड सी लास्ट. ठीक है, ओके. टॉपिक जैसे अगर आप समझ लो, टॉपिक है स्पेस प्रॉब्लम इन द सिटी. तो बड़े बड़े शहरों में स्पेस को लेकर प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब आप खुले बंगलोज में नहीं रहते हैं, राइट, यू स्टे इन फ्लैट्स. क्यों? क्योंकि भाई साहब हम यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जमीन ही नहीं है बंगला बनाने की, है ना. तो आपको भाई साहब ऐसे वर्टिकली रहना पड़ेगा, मतलब बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, उनमें फ्लैट्स में रहना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है. ठीक है, तो स्पेस प्रॉब्लम इन द सिटी. तो आपका पर्पस यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको ये टॉपिक दिया गया है तो हाईलाइट द हाउसिंग प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय द सिटीजंस ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स इन द सिटी. तो आपके आर्टिकल से आपको इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है, स्पेस प्रॉब्लम्स जो सिटी में स्पेस प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना. ठीक है, तो सीरियस एज अ टॉपिक एड्रेसेस अ ग्रेट प्रॉब्लम. यहाँ पे वैसा आप लाइटली नहीं ले सकते इसको, है ना. तो आपको एक सीरियस टोन रखना पड़ेगा. सीरियस टोन मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस टोन? और भाई साहब चाय पिए कि नहीं है, कॉफी पिए कि नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब. ठीक है, यू हैव टू हैव अ सीरियस टोन. स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे अगर आप, तो थोड़ा सा आपका मतलब आराम से टोन रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक सीरियस टोन रखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस के लिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. ठीक है, ओके. टोन आपको वर्ड लिमिट है आपका वैसा 120 से 150 वर्ड्स. ठीक है, एनीबडी वांट्स अटेम्प्ट कीजिए इसको. चलिए फटाफट, स्पेस प्रॉब्लम इन द सिटी, फटाफट फटाफट नोटबुक्स निकालिए, मैं सभी का बुक्स चेक करूंगा अभी. कोई कोई गबरी वाला इजी का टॉपिक है, देखो आराम से इसके बारे में सोचना है. स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस प्रॉब्लम इन एम, स्पेस प्रॉब्लम इन द सिटी. ठीक है, ऐसा आप नाम लिख देंगे, वैसे आप अपना टाइटल और अपना नाम लिख देंगे इसमें. ओके, फिर चलो कीजिए, बताइए क्या क्या कर सकते हैं. तो सिटीज में स्पेस का प्रॉब्लम है ना. ठीक है, सिटीज आर ओवर क्राउडेड विद पीपल. क्यों ओवर क्राउडेड है विद पीपल? Why are cities overcrowded with people? Because everyone comes in search. तो गांव को छोड़कर लोग शहरों की तरफ क्यों आते हैं? Everyone comes in search of business opportunities. ठीक है, business opportunities, better jobs. ठीक है, better jobs, better amenities. ठीक है, cities are overcrowded with people because everyone comes in search of business opportunities, better jobs and better amenities. ठीक है, and better amenities. okay, फिर अभी प्रॉब्लम क्या होगा? बड़ी हंसी आ रही है उधर, हाँ,
cities are overcrowded with people because everyone comes in search of business opportunities, better jobs. ठीक है, ऐसा नहीं है कि गांव के एरिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन उनकी कमाई नहीं है. ठीक है, सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हैव बीन सीन टू माइग्रेट from villages to cities and settle there. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, thousands of people from time immemorial. From time immemorial मतलब बहुत पहले से. ठीक है, ये सदियों से होता है. ठीक है, सदियों से होता है कि शहरों में आकर लोग ज्यादा बस रहे. ठीक है, so thousands of people from time immemorial have been seen to migrate from villages to cities and settle there. ठीक है, so अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, this puts a lot of pressure. ठीक है, lot of pressure on the city infrastructure. ठीक है, infrastructure मतलब सब कुछ है इसमें. ठीक है, roads, railways, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ठीक है, दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, water supply, education. ठीक है, तो लोग काम ढूंढने के लिए तो आ जाते हैं और काम उनको मिल भी जाता है, लेकिन उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज भी आते हैं, तो सिटी का पॉपुलेशन बढ़ता है. ठीक है, सो दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इन सारी चीजों पर भाई साहब बहुत बड़ा एक प्रेशर पड़ जाता है. ठीक है, सबसे बड़ा प्रेशर कहाँ पे पड़ता है भाई साहब, हाउसिंग में. ठीक है, हाउसिंग में आप देखोगे बस, मतलब शहर के एरियाज का 1 square feet का रेट बहुत ज़्यादा है गांव से. ठीक है, जितना ज़्यादा शहरीकरण हुआ रहेगा उतना ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इतना ही है, कीमत बढ़ती जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और ये कीमत बढ़ती जाती है. ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउसिंग. ठीक है, housing has been a challenge for most developed cities. ठीक है, सारे developed cities के लिए वैसे भी एक बड़ा challenge है. ठीक है, space is a constraint. ठीक है, constraint मतलब freely available नहीं है. ठीक है, space is a constraint in over populated cities and hence we see tall buildings and skyscrapers instead of bungalows. Okay, instead of bungalows in major cities. ठीक है, तो आपको वैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखेंगे, skyscrapers देखेंगे. ठीक है, instead of buildings in major cities. ठीक है, also since many poor people cannot afford to stay in these high rises,
these high rises, they generally settle down. They generally settle down in slums. ठीक है? तो slums में settle down होते हैं. ठीक है? झोपड़पट्टियों में settle down होते हैं. ठीक है? अभी झोपड़पट्टियों से क्या होगा भाई साहब? Slums life in slums is difficult as they generally lack proper sanitation facilities and are always an epicenter for epidemics. ठीक है, तो ज्यादा करके आपके sanitation बहुत poor. ठीक है, sanitation facilities मतलब आप देखोगे स्लम्स में कॉमन बाथरूम्स होते हैं, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं. ठीक है, तो ये सैनिटेशन फैसिलिटीज वहाँ पर बहुत ख़राब है, और ज़्यादा करके कोई भी एपिडेमिक होगा, कोई भी डिजीज स्प्रेड होगा तो वहाँ पर बहुत जल्दी स्प्रेड होगा. ठीक है, तो अलॉन्ग विद हाई राइजेस एंड स्मॉल फ्लैट्स द अदर प्रॉब्लम इज स्लम डवेलर्स विच आर ह्यूज इन नंबर. ठीक है, तो शहर जो है वो सबको सही अकोमोडेशन नहीं दे पा रहा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है. सो अभी आपने प्रॉब्लम के बारे में बहुत बातें कर ली, अभी आप सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. So what could be the solution to this? एक दो solution जो आपके दिमाग में आ रहे हो, बोलिए बोलिए फटाफट. What could be the solution? Making buildings. Building बनाते वाले क्या कर रहे, कितना building बनाओगे? और what could be the other solution? देखो slum dwellers के साथ आप कैसे deal करोगे? Slum dwellers के साथ कैसे deal करोगे? What would you make arrangements for them? क्योंकि लोग तो आ रहे हैं और सबको बंबई में आते घर नहीं मिल जाता और पापड़ बेलने पड़ते हैं. ठीक है, तो तब तक तो उनको स्लम्स में रहना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो वी विल सी कि मतलब ऐसा देयर शुड बी प्रॉपर facilities, there should be proper arrangements. There should be proper arrangements made to relocate slum dwellers, to relocate slum dwellers in cities. In, let's say, in suburbs. Suburbs. अभी सबब क्या होगा? देखो देखो कल जैसे हमें पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे देखो एक सिटी होता है, ये एक प्रॉपर सिटी है. उसके बाद आता है आपका विलेज, उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट एरिया, है ना? ऐसा आता है. सिटी और विलेज के बीच में एक इंटरमीडिएट एरिया होता है, इसको हम सबब बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई साहब सबब. ठीक है, जैसे नवी मुंबई एक सबब है, इसके आगे भाई साहब गाँव खेड़ा आ जाएगा वैसे. ठीक है, तो मतलब ये सबब्स है, तो सबब्स में जनरली प्रॉपर्टी रेट्स आपके कम होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर अगर बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पे हम इन स्लम डवेलर्स जो बीचों बीच, जैसे आप समझ भी, आपको शायद मालूम भी ना हो, जो धारवी एरिया है मुंबई का, दैट इज़ द लार्जेस्ट स्लम एरिया इन एशिया. सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है. ठीक है, सो राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड धारवी, विच इज़ द लार्जेस्ट स्लम एरिया ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट एंटायर एशिया. ठीक है, सो इस तरह से आप बोल सकते हैं देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट्स मेड टू रिलोकेट स्लम डवेलर्स इन सबर्ब्स. ये तो स्लम डवेलर्स से आपने किया बात, अभी आप दूसरा क्या करेंगे? ठीक है, आप बोलेंगे भाई साहब मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग एंड लाइवलीहुड, मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग एंड लाइवलीहुड should be created
इन विलेजेस, ठीक है, तो ये जो बड़ी तादाद में विलेजेस से लोग उठकर शहरों में आ रहे, अगर हमने विलेजेस में अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश किया, तो वो वहीं पे रह जाएंगे, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, ठीक है। सो मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग एंड लाइवलीहुड शुड बी क्रिएटेड इन विलेजेस, ठीक है, सो दैट लेसर माइग्रेशन happens from there, okay? happens from there. तो हम वहाँ से lesser migration happens होते हैं। तो अगर आप देखोगे this basically will form the entire context. इस तरह से आपको वैसा एक एक article writing लिखना रहेगा। तो language को simple रखिए, problem को identify कीजिए, problem के कुछ features बताइए। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं space problem. Space problem मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ आप भाई साहब flats में रह रहे हैं या buildings में रह रहे हैं। Space problem मतलब ये भी होता है कि जिनको flats में बिल्डिंग्स में रहने का मौका नहीं मिलता है वो कहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, वो इन झोपड़पट्टियों पे सेटल डाउन होते हैं, वो इन स्लम्स पे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। और स्लम्स में ना ठीक से वैसा पानी आता है, ना सैनिटेशन है, तो स्लम्स ज़्यादा करके आप देखोगे नाली के किनारे होते हैं, ठीक है, उसके आजू बाजू बहुत गंदगी होती है, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसके वजह से दे बिकम एपी सेंटर्स फॉर डिजीजेस। जब कोरोना आया था तो सारे हेल्थ ऑफिशियल्स आपके जो धार्मिक एरिया है उसके आजू बाजू कॉन्सेंट्रेट करें, क्यों, क्योंकि जब भी कोई एपिडेमिक आता है ये जो आपके यू नो स्लम एरियाज होते हैं दे बिकम द एपी सेंटर्स, मतलब वहाँ से डिजीज और जोर से फैलती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, तो और ज़्यादा डिजीज फैलेगा, ठीक है। सो स्पेस का जो प्रॉब्लम है उसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है, दैट इज हाउ यू विल बी प्रेजेंटिंग, ठीक है। सो देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट मेड टू रिलोकेट स्लम ड्वेलर्स इन सबर्ब्स, more opportunities of earning and livelihood should be created in villages so that lesser migration happens from there. Are we clear? There are just one people of people in now. Let me give myself. Okay, so देखो यहाँ पे हमारा space problem का discussion है, ठीक है? What do you mean by space problem? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे लिखना है, तो space problem actually होता क्या है? Space problem is basically the amount of space not available for a regular lifestyle, ठीक है, एक regular lifestyle को maintain करने के लिए जितना amount of space जरूरत पड़ता है उतना नहीं, space crunch, ठीक है, what do you mean by space problem, space crunch, ठीक है, मतलब यहाँ पर वैसा space की कमी है, और ये किस लिए होती होगी, what causes this problem, बिल्कुल भी ध्यान नहीं, खुद भी disturb है, दूसरों को भी disturb किया जा रहा है continuously, एक हफ्ते बाद क्लास में आ रहा है, परसों की तरह एग्जाम चल रहा है। What causes this problem? Obviously overcrowding. ठीक है? What causes this problem? Overcrowding. What are the various problems faced by the people in the city? ठीक है? भाई साहब क्या क्या problems हो जाएंगे? Water के लिए problem होगा, electricity के लिए problem होगा, ठीक है? Health care के लिए problem हो जाएगा, जितना भाई साहब आपका population बढ़ता जाएगा ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, ठीक है। सैनिटेशन, इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा सैनिटेशन, ठीक है। वॉट कैन दिस लेट टू, ठीक है, तो आपका इससे क्या क्या हो सकता है वैसा, और ऑब्वियसली पोल्यूशन तो है ही, ठीक है, तो पोल्यूशन तो है ही वैसा, क्या हो सकता है इससे, वॉट कैन दिस लीड टू डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस हो सकता है वैसा, ठीक है, और डेथ्स भी हो सकते हैं, हु आर अफेक्टेड, ऑब्वियसली द पीपल, ठीक है। What is the extent of the problem? देखिए किस हद तक ये problem है और इसको हमको कैसे tackle करना है, मतलब इसका solution क्या हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम discuss करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्रिएट एन आउटलाइन, तो आप पहले एक आउटलाइन क्रिएट कर लो, कभी कभी आपको आउटलाइन दिया रहता है, ठीक है, वरना देखो स्पेस प्रॉब्लम्स मीन, तो स्पेस प्रॉब्लम मतलब क्या हो, वॉट डज इट मीन, स्पेस प्रॉब्लम मीन लैक ऑफ स्पेस फॉर हैबिटेशन पर्पसेस इन बिग सिटीज, ठीक है, हैबिटेशन मतलब लाइफ, ठीक है, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो स्पेस हमको होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती है तो हम बोलते हैं स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या हो गया, शहरीकरण हुआ, ओवर पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन, एंड क्राउडिंग, क्रॉस ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, तो इनसे वैसा होता है आपका ओवर पॉपुलेशन, और इसी ओवर पॉपुलेशन का नतीजा है आपका स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम कॉज प्रॉब्लम्स सच एज, आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग होगा वैसा, ठीक है, lack of
सैनिटेशन एंड डिजीजेस, ठीक है, लोगों में बाई चांस सैनिटेशन की कमी होगी, डिजीजेस होंगे, इट कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स सच एज रियल स्टेट माफिया. रियल स्टेट माफिया क्या होता है? व्हाट इज रियल स्टेट माफिया? आप अगर देखोगे प्रॉपर्टी के प्राइसेस धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन बढ़ा रहा है इनको? रियल एस्टेट वाले, ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा देंगे कि बस कुछ कहने का ही नहीं, ठीक है. रियल एस्टेट माफिया एंड क्राइम्स, द वंस हु आर अफेक्टेड आर द मिडिल एंड द लोअर क्लासेस. पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ एमिनिटीज सच एज वाटर, ओपन स्पेसेस एंड पार्क्स. कंजेशन होता है भाई, कैन ऐड टू मोर पोल्यूशन, कैन बी टैकल बाय मैनेजिंग रिसोर्सेज एडेप्टली. वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द सिटी एंड कैन हाउस मोर पीपल. वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? सिटी को ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं भाई सर, जैसे नवी मुंबई एक एक्सपेंशन, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज एक्सपेंशन. ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है. इट कैन बी टैकल बाय मैनेजिंग रिसोर्सेज एडेप्टली. रिसोर्सेज को हमको सही सही मैनेज करना, ठीक है. और क्या है? वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, जैसे भाई साहब ये सिटी है और इसमें सब लोग नहीं रह सकते, तो थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है. जैसे मुंबई देखो, नवी मुंबई तक एक्सटेंड हो गई, ठीक है, तो नवी मुंबई को हम क्या बोल रहे हैं? सबर, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ सबर. Think of a suitable title that reflects the main idea of the article. Use transition words and phrases to connect the points of your article. Structure your article by dividing your points into three parts. That is, एक हो गया आपका introduction, दूसरा हो गया आपका body, and finally हो गया आपका conclusion. Introduction, body, and conclusion. Are we clear? Okay. Space problem in the city. Space problem in the city. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखो, by अनुष्का गुप्ता. Space problem means the lack of space for habitation purposes in big cities. तो ये भाई साहब इसका मतलब हो गया, ठीक है. Lack of space for habitation purposes in big cities, ठीक है. Issues such as, इसका reason क्या है? Urbanization बहुत बड़े तरीके से शहरीकरण हुआ है. शहरीकरण मतलब क्या होता है? शहरों में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब establish हुई है, तो इनमें काम करने के लिए लोग दूर दराज से आएंगे, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन हुआ है. ओवर पॉपुलेशन हो गया, जितना पॉपुलेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया. सबको दिख रहा है कि लोग भाई साहब शहरों में आकर कमा कर जा रहे हैं, तो उसी चलते सब लोग आ रहे हैं, ठीक है. ओके, ओवर पॉपुलेशन है, क्राउडिंग कॉज प्रॉब्लम्स इन सिटीज, ठीक है. यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ से ही हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स बाहर से नहीं आए, आप बताइए, है ना, हार्डली एकदम यहाँ से कमरे से नहीं, सब बाहर से आए हैं ना. तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र से ही लोग नहीं आ रहे, बाहर दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं. किस लिए भाई साहब? व्यवसाय के लिए. किस लिए भाई साहब? जॉब्स के लिए. सो ऑब्वियसली ये ओवर क्राउडिंग होती रही. मैं आपको बोल रहा हूँ, आज से 15 साल पहले जब मैं कामों के में आया था, 13 साल पहले, यहाँ पे ऐसे पक्के रास्ते नहीं थे, पूरा खुला था भाई साहब एकदम. वो सामने एक रोड था, ठीक है, जो रोड अभी भी है, दैट वॉज द ओनली रोड आउट देयर. और इक्के दुक्के बिल्डिंग्स थे, कोई बैंक्स नहीं था. बैंक एक था वो उधर एकदम न्यू, जो बैंक ऑफ बड़ौदा देखा है आपने वैसा एकदम अंदर, ठीक है, वो एक बैंक था और एक स्कूल था वैसा, नथिंग वॉज देयर, ठीक है. आज की तारीख में वैसा आपको 8-10 स्कूल, 8-10 बैंक सब आ गए, प्लस आपके जितने भी यू नो वाटर फैसिलिटीज आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, रास्ते बन गए हैं. सो ऑल दीज हैव कम, ठीक है, विद इन अ मिनिमम स्पैन ऑफ 5-10 ईयर्स ऑल दिस हैज हैपेंड, ठीक है. तो इसमें इसका मतलब क्या है? देखो, ओवर पॉपुलेशन हो जाता है पैसा एंड क्राउडिंग कॉज स्पेस प्रॉब्लम्स इन द सिटी. तो बहुत दूर दराज से लोग, सब लोग भाई साहब ज़्यादा कमाने के लिए कहाँ पे आ रहे हैं भाई साहब? दे आर कमिंग टू सिटीज. इफ लेफ्ट अनचेक्ड, इट कैन एस्केलेट एंड रिजल्ट इन ग्रीवियस सिचुएशन सच एज ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड डिजीज. अगर भाई साहब आपने इसको चेक नहीं किया तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. क्या क्या भाई साहब? ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, लैक ऑफ सैनिटेशन हो जाएगा and diseases, okay, there will be lack of sanitation and will result into diseases as well. It can also beget serious social problems such as real estate mafia and crime, okay. So real estate mafia matlab kya hai? Dekho, jo bahar se aa raha hai wo kis liye aa raha hai? Paise kamane ke liye, job ho ya business karne ke liye, paise kamane ke liye aa raha hai. To usko majboori hai, zarur uske gaon mein utni facilities available nahi hai पैसे कमाने की या जीवन को यू नो चलाने के लिए, तो इसीलिए उसको यहाँ पे आना पड़ा अपना गांव खेड़े छोड़कर, ठीक है. ओके, जब ये इंसान यहाँ पे आ रहा है अपने फैमिली के साथ या खुद भी, तो उसको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना. और जब आप किसी विदेश में आते हैं तो जब आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही होगी तो रियल एस्टेट वाले आपको रुकेंगे वैसे, है ना, ऐसा सपना दिखाएंगे. ये देखो एयरपोर्ट आ रहा है, पिछले 15 साल से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स उस एयरपोर्ट के चक्कर में बिके होंगे, ठीक है, और मतलब प्राइस हाइक हुआ है.
ठीक है, आपका भाई साहब जितना कॉस्ट है इससे कहीं ज़्यादा भाई साहब पर स्क्वायर फुट की चार्ज है, ठीक है। मतलब एक 1 BHK आज की तारीख में भाई साहब 60-70 लाख में बिक रहा है, ठीक है। यही गाँवों के में आज से 15 साल पहले एक 1 BHK भाई साहब 10 लाख में मिल जाए। 2 BHK मैंने लिया था आज से 15 साल पहले 10 लाख 2 BHK, आज की तारीख में 1 BHK भी आपको 45-50 लाख के नीचे नहीं मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? तो रियल स्टेट वाले देख रहे हैं भाई साहब, इधर बैंक्स आ गए हैं, स्कूल्स आ गए, लोग आएंगे तो सेटल डाउन होंगे, क्योंकि पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन वेरी यू नो पॉपुलेटेड एरियाज लाइक मुंबई। तो यहाँ पे भाई साहब लोग रहने के लिए आएंगे, और अगर लोग यहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो क्या होगा, और फिर यहाँ पे प्राइसेस विल, तो ये आप मुंह मांगा दाम देंगे, ठीक है। सो देयर प्राइसेस विल इंक्रीज, तो इट कैन ऑल्सो क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक रियल स्टेट माफिया एंड क्राइम। द वंस हु आर अफेक्टेड आर नॉट द रिच बट द मिडिल क्लास एंड द पुअर। तो जो अफेक्ट होते हैं वो रिच वाले नहीं होते, जो मिडिल क्लास वाले और जो पुअर है वो अफेक्ट होते हैं। ओवर क्राउडिंग कैन लीव द पीपल डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज, ठीक है। ओवर क्राउडिंग का रिजल्ट क्या होगा भाई साहब, बेसिक एमिनिटीज नहीं होंगी, सच एज क्लीन वाटर, ओपन स्पेसेस एंड पार्क्स, ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई साहब। कंजेशन एंड पोल्यूशन आर एग्जैजरेटेड इन ड्यू कोर्स, तो आपका कंजेशन हो जाएगा, जाम होगा, ठीक है, एंड पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, ठीक है, आर एग्जैजरेटेड इन ड्यू कोर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इसको अनकंट्रोल तरीके से चलाएंगे तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, कंजेशन होगा भाई साहब, ठीक है, फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कंजेशन एंड पोल्यूशन आर एग्जैजरेटेड इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड बाय मैनेजिंग रिसोर्सेज एडेप्टली, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड एनकरेज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। फॉर एग्जाम्पल नवी मुंबई इज बेसिकली अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ मुंबई। अगर आप देखोगे दहिसर, मीरा रोड, भाईंदर, ये सब जो क्रिएट हुआ है ये उधर का वर्टिकल एक्सपेंशन। तो सिटी कैसा है, ऐसा है धीरे धीरे ऐसे वर्टिकली एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली वर्टिकली एक्सपैंड। तो कभी कभी हम मेन सिटी में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन अफोर्ड टू स्टे इन सबर्ब्स, ठीक है, तो इस तरह से सबर्ब्स में रिलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, बाय द बर्गोइंग पॉपुलेशन। तो इस बड़े पॉपुलेशन को सेटल डाउन करने के लिए वी विल नीड द हेल्प ऑफ सबर्ब्स। तो सबर्ब्स को अगर हम डेवलप करें, ठीक है, जैसे आज की तारीख में वैसे अब नवी मुंबई में डेवलपमेंट हुआ है, जिसके चलते वो सारे लोग जो शायद मुंबई में सेटल डाउन होते थे वो सब नवी मुंबई में शिफ्ट हो गए, ठीक है। अभी यहाँ से भाई साहब आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल रहा है, हर 5 मिनट में आप बीटी जाने के लिए एक ट्रेन आपको मिली जाए, ठीक है, बसेस मिल रही हैं, ठीक है, आपके हाईवेज हैं, सो ये सारी तमाम सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आपको भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी, आपको पानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो पीपल आर नॉट क्रैशिंग डाउन इन मुंबई इटसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन इन सबर्ब एरियाज। चलिए इस पे जरा लिखने की कोशिश कीजिए, फ्रेश वाटर पोल्यूशन, फ्रेश वाटर पोल्यूशन, अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक
अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक क्या क्या फार्मिंग. देखिए बिल्डिंग रोड्स बिल्डिंग रोड्स देखिए रेलवेज बिल्डिंग्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज. माइनिंग एक्टिविटीज have polluted this water to dangerous levels. Okay? Dangerous levels. हम बोल सकते हैं आज के बारे में कि today Water-borne diseases are extremely common and on the rise, okay? And rising rapidly ठीक है. Water-borne diseases आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो भाई साहब सोल्यूशन क्या है? What could be the solution? ठीक है? Proper filtration before industrial discharge, industrial discharge into water bodies. ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री से जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, जो वैसा आपका वेस्ट निकल रहा है, उसको प्रॉपरली फिल्टर करके फिर उस वाटर को इन वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए. ठीक है, और क्या हो सकता है वैसा बताइए? प्रोहिबिशन मतलब बैन कर देना. ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स prohibition of washing clothes and utensils in river banks and other fresh water outlets. In river banks and other fresh water outlets. और क्या है सब? Proper filtration before industrial discharge into water bodies. Prohibition of washing clothes and utensils in river banks and other fresh water outlets. लोग भाई साहब जो कपड़ा लगता लेकर गांव खेड़े में रिवर्स के बाजू में या पॉन्ड्स के बाजू में जो धोने जाते हैं उसको प्रोहिबिट करना, उसको बंद करना. ठीक है, प्रॉपर फिल्टरेशन बिफोर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इन टू वाटर बॉडीज. प्रोहिबिशन ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर बैंक्स एंड अदर फ्रेश वाटर आउटलेट्स. और क्या हो सकता है वैसे? और क्या करवा सकते हैं? ड्रिंकिंग वाटर बिफोर यूज तुम अपने लिए कर रहे हो. ड्रिंकिंग वाटर बिफोर यूज वो तो ट्रीटमेंट हो गए, वो तो हो गए, लेकिन तुम उस वाटर को गंदा ना करो इसके लिए क्या उपाय? डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, इन एरियाज फार ऑफ फ्रॉम वाटर बॉडीज. ठीक है, फ्रॉम वाटर बॉडीज से बहुत दूर होने चाहिए, यहाँ पर भी डंपिंग होनी चाहिए. ठीक है, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट इन एरियाज फार ऑफ फ्रॉम वाटर बॉडीज आर जस्ट some of the collective measures मतलब बहुत बड़े पैमाने. ठीक है, collective measures that can
being taken, collective measures that can be taken to solve the problem. Or just some of the collective measures that can be taken to solve the problem. Okay? However, all of this starts at an individual level first. Okay? Individual level first. ये सारा कुछ भाई साहब एक individual level पे पहले start होगा. ठीक है? Are we clear on this one?